हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ सूजी और आलू से बनने वाली बहुत ही स्वादिष्ट सी पूड़ी। ये बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती हैं और इन्हें घर पर बनाना बहुत ही आसान है। तो बिना किसी देरी के चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं इसे बनाना। सूजी की पूड़ी तैयार करने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बोल ले लेंगे और अब हम इस बोल में डालेंगे एक कप जितना एकदम गुनगुना पानी और इसी के साथ हम लेंगे आधा कप जितनी सूजी। आपको पानी और सूजी का रेशियो यही लेना है। तो सबसे पहले हम एकदम गरम गरम पानी को बोल में डाल देंगे और इसी के साथ इस पानी में डालेंगे हम सूजी। सूजी आप इसमें मोटी या बारीक जैसी भी आपके पास है आप यूज़ कर सकते हैं। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और अभी हम इस सूजी को इस पानी में अच्छे से फूलने तक छोड़ देंगे। तो इसे कवर कर देते हैं और 10 से 15 मिनट के लिए इसे फूलने देते हैं। 10 से 15 मिनट के बाद सूजी को चेक करेंगे तो देखिए फ्रेंड, अभी सूजी अच्छे से फूल चुकी है और इसने पानी को अच्छे से अब्सॉर्ब कर लिया है। तो अभी हम इसमें अपनी बाकी सारी चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक कद्दूकस किया हुआ आलू। मैंने यहाँ पर ये उबला हुआ आलू लिया है। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जितना नमक या अपने स्वाद अनुसार। साथ ही डालेंगे 1/4 चम्मच जितना हल्दी पाउडर। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स। आप चाहें तो इसकी जगह रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो 1 चम्मच जितना चिली फ्लेक्स डाल देंगे हम इसमें। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च। साथ ही डालेंगे काफ़ी सारा हरा धनिया, थोड़ा सा कटा हुआ अदरक। सभी चीज़ों को डालने के बाद एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस रेसिपी में मैं जिन भी चीज़ों का यूज़ कर रही हूँ उन सभी को उनके मेज़रमेंट के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वहाँ से देख सकती हैं। सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी हम इसमें ऐड करेंगे आटा। तो मैंने यहाँ पर 1 कप जितना गेहूँ का आटा यूज़ किया है। हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके गेहूँ के आटे को अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर 1 कप जितने गेहूँ के आटे को डालने के बाद आपको लग रहा है कि जो आटा है वो काफ़ी सॉफ्ट है तो आप इसमें थोड़ा सा आटा और भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पूरे आटे को डाल लिया है। एक बार इसे अच्छे से हाथों से मल लेंगे जिस तरीके से हम आटा लगाते हैं और अच्छे से चिकना कर लेंगे इसे। अभी मैंने इसका आटा जैसा लगा कर रख दिया है। अभी इसे हम बहुत ज़्यादा नहीं मलेंगे, इसे हम वापस से कवर कर देंगे और इसे 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक आटा सेट हो रहा है तब तक हम यह कढ़ाई में ऑयल को गर्म होने के लिए रख देते हैं। अभी 10 मिनट बाद हम वापस से अपने आटे को चेक करेंगे। इसमें 1 चम्मच जितना ऑयल डालेंगे और आटे को हल्का चिकना कर लेंगे। अभी हमें आटे को अच्छे से मलना है तो हम इस आटे को 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मलकर इसे चिकना कर लेंगे। चाहें तो अपनी ज़रूरत के अनुसार 1 चम्मच जितना घी इसमें और डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आटे को अच्छे से मलकर चिकना कर लिया है। अभी हम हाथों को हल्का सा चिकना करेंगे और इसकी लोई तोड़ेंगे। लोई हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है, जिस तरीके की हम नॉर्मल पूड़ी बनाने के लिए लोई लेते हैं उसी साइज़ की लोई ले लेंगे। लोई लेने के बाद इसे हाथों से हल्का गोल कर लेंगे, जिस तरीके से हम पेड़ा बनाते हैं इस तरीके से हल्का दबा देंगे। और अब हम इससे पूड़ी बेलेंगे। पूड़ी बेलने के लिए एक चॉपिंग बोर्ड पर हम हल्का सा चिकना कर लेंगे। आप चाहें तो इसके लिए चकला भी यूज़ कर सकते हैं। हल्का सा चिकना करने के बाद अभी हम इस पर पूड़ी बेलेंगे। पूड़ी बेलते समय हमेशा याद रखें कि आप बेलन को साइड से दबाएं। इससे क्या होता है, बीच से पूड़ी पतली नहीं होती है और काफ़ी अच्छे से फूलती है। तो यहाँ मैंने पूड़ी को इस तरीके से बेल लिया है। पूड़ी का साइज़ आप छोटा या बड़ा जैसा रखना चाहें वैसा रख सकते हैं, बस याद रखें पूड़ी थोड़ी मोटी होनी चाहिए। और अब हम इस पूड़ी को एकदम गरम गरम ऑयल में डाल देंगे। हल्का हल्का दबाकर इस तरीके से सेकेंगे, इससे जो पूड़ी है वो अच्छे से फूलती है। जब पूड़ी एक साइड से अच्छे से फूल जाएगी तब हम इसे पलट देंगे और दूसरे साइड से भी अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक इसे सेकने देंगे। जब पूड़ी अच्छे से सिक जाएगी तब हम इस पूड़ी को ऑयल से बाहर निकाल लेंगे और सेम इसी तरीके से हम अपनी बाकी सारी पूड़ियाँ भी बनाकर तैयार करेंगे। आप इन पूड़ियों को अचार, सब्जी या चाय के साथ जिसके भी साथ सर्व करना चाहते हैं सर्व कर सकते हैं। चाहें तो आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी पैक कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजीली बनकर तैयार हो जाती हैं और साथ ही खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो सेम इसी तरीके से दबा दबा कर हम सभी पूड़ियों को अच्छे से सेक लेंगे।
पूड़ियों को हल्का क्रिस्पी सेकें जिससे ये खाने में और भी ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं इसी तरीके से और भी अच्छी रेसिपीज़ आप सभी के साथ शेयर कर पाऊँ। तो एक बार फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।